हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम मास्टर चैनल में, और यह है शिक्षण कौशल की क्लास। जी हाँ, इसका पहला पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में उसका लिंक आएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यह है शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति पर दूसरी कक्षा। इसमें हम कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे और उनके जवाब आपको बताएंगे। जीवन कौशल जो टॉपिक, जिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा डीप में प्रश्न नहीं आते हैं, इसी तरह के प्रश्न आएंगे और आपको ऐसे जवाब देना है एक लाइन में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप सबके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है, पियाजे के अनुसार कौन सा बौद्धिक तत्व विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ये देखिए पहला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर जो है सही जवाब वो है सामाजिक संचरण। जी हाँ, सामाजिक संचरण जो है वो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, जिन पियाजे के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य से को उत्तम रूप से क्या प्रदर्शित करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति, उसका संगतिकरण, सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, ये तीन चीज़ें उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से यानी सबसे बढ़िया ढंग से प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र किससे निपटने में सहायता करता है। रक्षा तंत्र यानी आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो दबाव से निपटने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी हाँ, एक्शन रिसर्च जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना। जी हाँ, शैक्षिक प्रणाली, विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है, बच्चों को जो शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, उसी प्रणाली में सुधार लाना ही एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में, जी हाँ इंग्लैंड, वहाँ पर नर्सरी स्कूलों की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर सही जवाब है मिस मार्गरेट मैकमिलन ने। अगला क्वेश्चन है, इटली में मॉन्टेसरी स्कूलों की स्थापना किसने की। तो मारिया मॉन्टेसरी ने इटली देश में सबसे पहले मॉन्टेसरी स्कूलों की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में किंडरगार्टन स्कूलों की स्थापना किसने की। तो सही जवाब है फ्रोबेल। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन स्कूलों की स्थापना जर्मनी में सर्वप्रथम की। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का उद्देश्य, जी हाँ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, ये टर्म आप सबने सुना होगा अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ये चीज़ें आपको, और राइट टू एजुकेशन बिल 2009, ये चार चीज़ें आपको बहुत ही डीप में पता होनी चाहिए। ये चारों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं एग्जाम मास्टर चैनल पर, और इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको फ्यूचर वाले वीडियोस, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाए रहें जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का जो उद्देश्य था वो था प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार। जी हाँ, प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना बनाई गई। इसके तहत जो है स्कूलों में शिक्षण सहायक सामग्रियों का और अधिक से अधिक उपयोग किया जाना इसके अंतर्गत आया था। तो जो ब्लैकबोर्ड था, चॉक, डस्टर और अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियां, उन पर बढ़ाए जाने का जोर दिया गया ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में, जी हाँ प्राचीन काल में शिक्षक की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती थी। तो प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो उसके ज्ञान, उसके चारित्रिक गुणों और उसकी धार्मिक निष्ठा पर शिक्षक की सफलता मुख्यतः निर्भर थी। ये आपका जीवन कौशल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक शिक्षक की सफलता मुख्यतः किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो जान लीजिए कि ये तीनों आज के संदर्भ में भी सही हैं, उसके ज्ञान, उसके चारित्रिक गुण। धार्मिक निष्ठा को हम उतना नहीं कह सकते, लेकिन वो आप बच्चों की जिज्ञासा को कितने प्रतिशत तक शांत करने में सक्षम है, ये चीज़ डिपेंड करता है उसके शिक्षण कौशल पर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जी हाँ जिसे आप डायट भी कहते हैं, इसके क्या कार्य हैं। तो डायट के कार्य हैं प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण, इसमें मतलब प्राथमिक शिक्षक जो बनने वाले हैं उनका प्रशिक्षण, अनौपचारिक शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षकों का प्रशिक्षण जो है वो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का कार्य है, यानी जिसे आप डायट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 45 पर किन वर्गों की शिक्षा पर बल दिया गया। धारा 45 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दुर्बल और कमजोर वर्गों की शिक्षा पर, पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था।
ठीक है, धारा 45 आप लोग याद रखें, एजुकेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य राममूर्ति समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी नियुक्ति कब की गई? तो मई 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति की नियुक्ति की गई। ये भी प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए इस समिति का गठन किया गया। बच्चों को स्कूल से जोड़ना, उनको जो है जो खाली समय है उनके अतिरिक्त उपयोग की महत्व की बातें इस समिति का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, असतत चर का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आयु जो है वो असतत चर का उदाहरण नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र कब जारी हुआ? तो आपको पता होगा मैकाले ने 1835 में अपना घोषणा पत्र दिया था। इसके बाद वुड डिस्पैच आया था, जिसे आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1854 में वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण है? सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण यानी रिफ्रेशर कोर्स जो है वो सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण है, जिसे अभिनवन पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, ये भी जीवन कौशल का ही प्रश्न है, अनुबंधन द्वारा। जी हाँ, अनुबंधन द्वारा आप छात्रों की बुरी आदतों को सुधार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है सीरीज का, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो भाषा शिक्षण की जो प्रथम कक्षा है वो है पूर्व प्राथमिक कक्षा, इसे ही भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है। इसी में छात्र भाषा को सीखता है, ठीक है। तो ये शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में अगर दी जानी चाहिए तो बेटर होगा। अगला, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शिक्षक प्रशिक्षण, ये चीज़ें आप ज़रूर जीवन कौशल के अंतर्गत याद रखें कि शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक गुण, बच्चों की समस्याओं का समाधान आप कैसे कर सकते हैं, किन किन सुविधाओं द्वारा बच्चों की एजुकेशन प्राथमिक स्तर पर सुधारने का प्रयास किया गया, ये सारी चीज़ें जीवन कौशल में इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ, 9452267492। जी हाँ, 9452267492 ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको लिखित परीक्षा या सीटेट परीक्षा के नोट्स चाहिए व्हाट्सएप पीडीएफ फाइल में, तो छोटी सी फीस है, 500 रुपये, आप उसे जमा कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नाम और टीटी में आपका कितना मार्क्स है लिख करके मैसेज करें। आपको फीस भरने की क्या प्रक्रिया है आपको बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप फॉर रिटर्न एग्जाम में आप जैसे ही छात्र, शिक्षा मित्र और बीटीसी वाले ऐड हैं, आप भी उसमें ऐड होकर के अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी किसी भी शंका का समाधान पा सकते हैं। साथ ही आप शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा 68500 के सभी नोट्स पा सकते हैं सिर्फ 500 रुपये में। आपको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, घर बैठे आपको सारी सुविधा मिल जाएगी, आपके समय का उचित सदुपयोग किया जाएगा और साथ ही आपको पुराने नोट्स जो अब तक दिए जा चुके हैं वो भी दे दिए जाएंगे। तो ज्वाइन करें हमारा स्पेशल बैच। और इसके बाद दोस्तों, ये वो वीडियो है, पहला पार्ट इस वीडियो का जो मैंने आपको पढ़ाया, यहां पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।